तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप कोई भी कमेंट कर रहा है या आपको कुछ बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन आपको पेटीएम का बीसी एजेंट बना दूंगा, आपको पेटीएम का बैंक एजेंट बना दूंगा, आप केवाईसी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये पूरा स्कैम है। तो आप स्कैम मत फंसिए, ऐसे अकाउंट नहीं बनता है। अगर आपकी शॉप पर पेटीएम का FSC या कोई एजेंट आएगा बड़े वाला तो ही आपका अकाउंट बन सकता है, ऐसे ऑनलाइन नहीं बनता है। तो आप स्कैम में मत फंसिए। अगर आप भी पेटीएम के बैंक एजेंट बनना चाहते हैं या केवाईसी एजेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए आज ही मैं खास वीडियो तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड पर मैं ये खास वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाला स्टेप बाई स्टेप कि आप कैसे पेटीएम के बैंक एजेंट बन सकते हैं, KYC एजेंट बन सकते हैं। तो वीडियो को आप स्किप मत करना, एक भी स्टेप मिस मत करना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कि अगर आपने तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे ऑफर बताता रहता हूँ जिन पर वीडियो लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिए, करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे एक संदेश मिलेगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है, आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट पर वीडियो लेकर आया करूँ। तो मैं बात करता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे पेटीएम के बैंक एजेंट बन सकते हैं, KYC एजेंट बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी शॉप वगैरह नहीं है तो आपको कोई भी ऐसा KYC वाला सेंटर नहीं मिलेगा, आपको KYC का एजेंट नहीं बनाया जाएगा, बैंक एजेंट नहीं बनाया जाएगा। मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, अगर आपके पास शॉप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप अप्लाई कर लीजिए, आपको 100% KYC एजेंट बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर आप पेटीएम के KYC बैंक एजेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप नियर बाय KYC सेंटर जा सकते हैं, जो भी नियर बाय सेंटर हैं KYC के, जो KYC करते हैं नियर बाय लोकेशन में, तो आप उनसे जाकर नंबर ले सकते हैं, उसके FSC का या किसी बड़े सीनियर का नंबर ले सकते हैं। आपको अगर नंबर मिल जाता है तो आप सीधा बात कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वहाँ से नंबर नहीं मिल रहा है, जैसे कि वो कह रहा है कि मैं नंबर नहीं दे सकता, ये रीज़न है, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप जिससे नंबर ले रहे हैं, जो KYC करता है, वो पहले से एजेंट है, अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं उसके नियर में, दोस्तों वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप एजेंट बने, क्योंकि उसका काफ़ी लॉस होने वाला है। जो KYC वो ज़्यादा करता था तो वो कस्टमर आपके पास भी आएगा, तो इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं बंदे जो आपको नंबर नहीं देते हैं। अगर आपको वहाँ से नंबर नहीं मिला तो फिर आपको दूसरा स्टेप अप्लाई करना, दूसरा तरीका आपको ट्राई करना, आपको करना क्या है, आप कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, पेटीएम के कस्टमर केयर से आप बात कीजिए, उनसे आप पेटीएम के KYC FSC का नंबर ले लीजिए, जो दोस्तों KYC का अकाउंट बनाकर देता है, जो पेटीएम का FSC है, जो उससे बड़े वाला सीनियर है, आप उसका नंबर ले सकते हैं, तो कस्टमर केयर वाले आपको नंबर दे देंगे। दोस्तों काफ़ी चांस है, 95% चांस हैं कि आपको नंबर दे दें। अगर वहाँ से आपको नंबर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है, लेकिन अगर आपको वहाँ से नंबर मिल जाता है तो आप नंबर नोट डाउन कर कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी शॉप है, इतने मेरे पास कस्टमर वगैरह भी आते हैं, सब KYC करवाना चाहते हैं, मैं भी फिलहाल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। काफ़ी चांस होंगे कि पेटीएम का FSC आएगा और आप अकाउंट बनाकर दे जाएगा। दोस्तों आपका अकाउंट 15 से लेकर 1 महीने तक शुरू कर दिया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आपको नंबर मिला है और पेटीएम FSC ने या किसी बड़े सीनियर ने आपका कॉल ही नहीं उठाया, तो आपको उस विषय में क्या करना है, अगर आपका फ़ोन नहीं उठा रहे पेटीएम FSC या कोई बड़ा सीनियर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आपको मैं एक लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर दूंगा, आप सीधा उस लिंक के ऊपर क्लिक कर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप दोस्तों बिल्कुल रियल जानकर दीजिए, अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन देंगे, आप रियल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको KYC वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दे देनी है। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो दोस्तों 99% चांस हैं कि आपकी शॉप पर पेटीएम FSC आएगा या कोई बड़ा वाला सीनियर आएगा और वो आपको अकाउंट बनाकर दे जाएगा, फिर आप KYC कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा।